मित्रों, एक सभा में गुरुजी ने प्रवचन के दौरान एक 30 वर्षीय युवक को खड़ा करके पूछा, आप मुंबई के जूहू चौपाटी पर चल रहे हैं और सामने से एक सुंदर सी लड़की आ रही है, तो आप क्या करोगे? युवक ने कहा, उस पर नजर जाएगी तो उसे देखने लगेंगे। गुरुजी ने पूछा, वह लड़की आगे बढ़ गई तो क्या आप पीछे मुड़कर देखोगे? लड़के ने कहा, हाँ, अगर धर्म पत्नी साथ में नहीं है तो मैं जरूर देखूंगा। वहाँ पर सभा में उपस्थित सभी लोग हंस पड़े। मैं तो गुरुजी ने फिर पूछा कि जरा ये बताओ, वह सुंदर चेहरा आपको कब तक याद रहेगा? युवक ने कहा, 5 से 10 मिनट तक, जब तक कोई दूसरा चेहरा सामने नजर नहीं आता है। मैं तो गुरुजी ने युवक से कहा कि आप जरा कल्पना कीजिए कि आप जयपुर से मुंबई जा रहे हैं और मैंने आपको ये पुस्तक का पैकेट दिया है और कहा है कि मुंबई में इस महान अनुभव के यहाँ ये पैकेट पहुँचा देना। आप पैकेट देने मुंबई उनके घर गए, उनका घर देखा तो आपको पता चला ये तो बड़े अरबपति हैं। घर के बाहर 10 गाड़ियाँ और 5 चौकीदार खड़े हैं। आपने पैकेट की सूचना अंदर भिजवाई, वो महान अनुभव खुद बाहर आए, आपसे पैकेट लिया। आप जाने लगे तो आपसे आग्रह करके घर के अंदर ले गए और आपको पास में बैठा कर गर्मा गर्म खाना खिलाया। चलते समय उन्होंने आपसे पूछा कि किस में जाएंगे? आपने कहा कि लोकल ट्रेन में। उन्होंने ड्राइवर को बुलाया और आपको स्टेशन तक पहुंचाने के लिए कहा। आप जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे, उस अरबपति महान अनुभव का फ़ोन आया और आपसे पूछा कि भैया, आप आराम से पहुंच गए, अब आप बताइए कि आपको उस महान अनुभव का चेहरा कितने दिन तक याद रहेगा? मैं तो युवक ने कहा, गुरुजी, जिंदगी में मरते दम तक उस व्यक्ति को मैं कभी नहीं भूलूंगा। गुरुजी ने युवक के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह है जीवन की हकीकत। सुंदर चेहरा थोड़े समय के लिए ही याद रहता है, लेकिन सुंदर व्यवहार जीवन भर याद रहता है।